मैम योर बिल। या पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई, डेजर्ट, टोटल 5,300। 530 का सर्विस चार्ज, एक तो खाना बेकार और इतना सर्विस चार्ज। मैम आप तो समझदार लग रहे हो, मेन्यू पे भी लिखा है, बाहर गेट पे भी लिखा है, जब सर्विस चार्ज नहीं देना था तो ऑर्डर क्यों किया? 4 जुलाई 2022 को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि कोई भी रेस्टोरेंट या होटल सर्विस चार्ज बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिकली चार्ज नहीं कर सकता। सर्विस चार्ज को किसी और नाम से भी नहीं लिया जा सकता। सर्विस चार्ज देने के लिए कंज्यूमर को फोर्स नहीं किया जा सकता, इनफैक्ट उन्हें बताना पड़ेगा कि ये वॉलंटरी है। सर्विस चार्ज का ऐसा कोई रूल लगाकर एंट्री रेस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती। एंड लास्टली बिल में भी सर्विस चार्ज नहीं जोड़ा जा सकता। अगर कोई रेस्टोरेंट ऐसा करे तो सबसे पहले उसे सर्विस चार्ज हटाने के लिए बोलिए, अगर नहीं हटाए तो उसकी कंप्लेन करिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में, और अगर यहां भी बात नहीं बने तो कंज्यूमर कमीशन के पास ऑनलाइन केस दर्ज किया जा सकता है इस वेबसाइट पर जाकर। लेकिन जागरूक जनता एक छोटा सा ट्विस्ट है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस दाखिल किया जिसपे उन्हें मिल चुका है स्टे। हाँ, CCPA इसे आगे चैलेंज जरूर कर रहा है। आपको क्या लगता है, सर्विस चार्ज कस्टमर्स पर मैंडेटरी होना चाहिए? कमेंट्स में डिस्कस करते हैं।